सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठवीं की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रयोदश पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक जिसमें क्रिया जो होती है वो आधार होती है, क्रिया कहाँ पर हो रही है ये हमें अधिकरण कारक में पता चलता है और इसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्रिया का जो आधार है वही अधिकरण कारक है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति या क्रिया जो है उसके आधार को ये अधिकरण कारक कहते हैं। तो क्रिया जहाँ पर हो रही है वो हमें बताने का काम अधिकरण कारक करता है और उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह जो होता है में अथवा पर, जैसे उदाहरण के लिए नीड़ेशु खगाह वसन्ति। नीड़ेशु मतलब कि घोंसले में खगा पक्षी रहते हैं, वसन्ति यानी रहना। तो पक्षी कहाँ रह रहे हैं? घोंसले में। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कहाँ पर हो रही है, उस जगह पर जगह बताने का काम जो करते हैं वो अधिकरण कारक करते हैं और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ सामान्य नियम हैं जो हम देखेंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के अंत में ए, अयो और एशु जोड़ा जाता है। अगर एक वचन है तो ए, द्विवचन में अयो और बहुवचन में एशु जोड़कर हम सप्तमी विभक्ति बनाते हैं। तो शब्द जैसे बाल, तो बाले, बालयो, बालेशु। एक वचन में बाले, द्विवचन में बालयो और बहुवचन में बालेशु। इसी तरह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आयाम, आयो, आसु शब्द के अंत में जोड़ते हैं। तो सप्तमी विभक्ति में स्त्रीलिंग में एक वचन में आयाम, द्विवचन में आयो और बहुवचन में आसु जोड़कर सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे लताया, लतायो, लतासु। इस तरह सप्तमी विभक्ति हमने बनाई है। अब इसके अन्य उदाहरण हम अपनी किताब में देखेंगे। तो आप सभी अपनी किताब खोलेंगे और पेज नंबर 74 निकालेंगे। तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, जहां पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के जो होने का जगह है उसको हमने अधिकरण कारक कहा। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाते हैं और इसके सारे उदाहरण हम देखेंगे। छात्रा विद्यालय पठन्ति। छात्र जो है विद्यालय में पढ़ते हैं। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड़न्ति। वे खेल के मैदान में खेलते हैं। कक्षायां बालिका कोलाहलं कुर्वन्ति। कक्षा में बालक शोर करते हैं। श्रेष्ठाः बालकाः कक्षायां पठन्ति। अच्छे बालक जो हैं कक्षा में पढ़ते हैं। विहगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति। पक्षी जो हैं वो वृक्षों पर बैठते हैं, ठहरते हैं। वृक्षे निडानि सन्ति। वृक्षों पर घोंसले होते हैं। तेषां शावकाः नीडयो वसन्ति। उनके बच्चे जो हैं पक्षियों के बच्चे, तो उनके बच्चे घोंसलों में रहते हैं। पर्वतेषु जनाः गच्छन्ति। पर्वतों पर लोग जाते हैं। जनाः पर्वतारोहणं कुर्वन्ति। लोग जो है पर्वतों पर चढ़ते हैं। आकाशे मेघा गर्जन्ति। आकाश में बादल गर्जना करते हैं या चमकते हैं, बादल चमकना जिसको हम बोलते हैं गर्जना करते हैं। मीना जले तरन्ति। मछलियां जल में तैरती हैं। कच्छपः मकरः च अपि जले वसतः। कछुआ और मगर भी जल में निवास करते हैं या रहते हैं। खगा आकाशे उड़यन्ति।
पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नगरेषु अनेकानां, अनेकानि वाहनानि चलन्ति, नगर में अनेक वाहन चलते हैं। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति, मेरा घर दिल्ली नगर में है। उद्याने वृक्षा सन्ति, बगीचे में वृक्ष हैं। भक्ताः देवालयेषु अर्चयन्ति, भक्त जो हैं वो मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। मित्राणि उद्याने भ्रमन्ति, ते अत्र व्यायाम कुर्वन्ति, मित्र जो हैं उद्यान में या बगीचे में घूमते हैं और वे वहां पर व्यायाम ही करते हैं। पाठशालायोः अथ अवकाश अस्ति, पाठशाला में आज अवकाश है। यूयं पुस्तकालय पुस्तकानि पठत, तुम पुस्तकालय में, तुम सब पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हो। सह पुस्तकालय कोलाहलं करोति, वह पुस्तकालय में शोध करता है। लतासु पुष्पाणि सन्ति, लताओं पर पुष्प लगते हैं या पुष्प होते हैं। तो इस तरह हमने उदाहरणों में देखा कि किस तरह क्रिया का जो आधार है वो अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है। अब हम इसके शब्दार्थों को समझेंगे और जो आप लोग अभ्यास कार्य, जो इसमें अभ्यास कार्य है उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।